बीएम साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस बात पर जानकारी प्रदान करने के लिए। देवियों सज्जनों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है आपके विकास के लिए। बच्चे यहाँ पर शोर नहीं करेंगे, तो चूंकि मैं भी उसी विभाग से बिलोंग करता हूँ और खास करके गांव में लोगों की ये बड़ी शिकायत रहती है कि हमारा सरपंच और हमारा सेक्रेटरी हमको ये लाभ नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर हैं। मैंने तो पहले ये निवेदन कर दिया है कि आप जो भी संबंधित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, काउंटर में लास्ट में रजिस्टर बना हुआ है, वहाँ पर एंट्री करवाएं। कुछ लाभों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वो लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सारी प्लानिंग एकदम खुली किताब की तरह है, कोई भी प्लानिंग छुपी हुई नहीं है, सिर्फ आपको उसकी जानकारी होने की जरूरत है। और ज़्यादातर लोगों को जानकारी है भी, और कुछ लोगों को जानकारी होते हुए भी वो शिकायत करते हैं कि हमें ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो पूरे देश में बड़ा धमाल मचा के रखी हुई है, लोगों को बड़ा लाभ प्रदान कर रही है, वो है प्रधानमंत्री आवास का। प्रधानमंत्री आवास का लाभ हर एक हितग्राही आज प्राप्त करना चाहता है। तो हर हितग्राही प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे सरकारों का संकल्प भी है कि जिनके घर नहीं है, पक्के घर नहीं है, उनके एक एक व्यक्ति के, एक एक परिवार के, मतलब एक एक परिवार के घर बनाए जाएंगे। अब ये अलग बात है, किसी का कल बना था, किसी का आज बन रहा है और किसी का कल बनेगा, समय की बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा परिवार नहीं छूटेगा जिनका पक्का आवास नहीं है। हाँ, यदि आपके पास पक्का आवास है, आपके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर आप पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। और यदि आप पात्र हैं, तो ये हमारी यानी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी है कि हमें आपको आवास प्रदान करना ही है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पात्र हैं, आज आपको लाभ नहीं मिला है, वो आपको कल मिलेगा, और कल मिलेगा तो फायदा भी होगा। अब पहले 1.5 लाख ही था अभी आवास का, अब अब 2,30,000 हो गया है, तो अब आगे लाभ ज्यादा भी आपको मिलेगा, लाभदायक ही है, जो पीछे हो गए हैं उनको लाभ ही मिल रहा है। तो ध्यान दें, अभी जो हमारी सरकारों का लक्ष्य है वर्तमान में बैगा परिवारों को, एक एक परिवारों को घर प्रदान करना है। तो इसका सर्वे हम लोगों ने लगभग कर लिया है, सभी बैगा परिवारों के नाम आवास के ऐप में जुड़ गए हैं, आवास पोर्टल पे पहुंच गए हैं, उनको शीघ्र ही राशि जारी की जाएगी। जिन बैगा परिवारों के आवास को शंका होगी कि हमारा नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव से जाकर के मिल लेंगे, वहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, यदि आप पात्र हैं तो आपको आवास निश्चित मिलेगा। पर ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही आपके खाते में राशि जाए, तो 2 महीने या 3 महीने के अंदर आप अपना आवास पूरा कर लें। यदि आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करते, आवास पूरा नहीं करते, तो आपके जो भाई, बगल वाला भाई है जिसको अभी लाभ नहीं मिला है, उसको लाभ देने में देरी होती है। ये बात हो गई आवास की। दूसरा, सबसे ज्यादा हमारे सियाने सियाने जो अंकल चाचा लोग होते हैं, बड़े बाबू लोग होते हैं, माताएं होती हैं, उनकी शिकायत होती है कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन की भी निश्चित क्राइटेरिया है, और हमारे विभाग का ये पूरी तरह से प्रयास रहता है कि कोई भी पात्र हितग्राही पेंशन के लिए ना छूटे। तो सभी लोग ध्यान दें, सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन के आवेदन आते हैं। अब वो लोग निवेदन करते हैं कि जिनका बीपीएल में नहीं है, वो ये शिकायत करते हैं कि हमारा पेंशन में नाम नहीं जुड़ा। मैं सबको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन तभी जुड़ता है जब आपका बीपीएल में नाम होता है। यदि आपका बीपीएल में नाम नहीं है, तो वृद्धा पेंशन यानी 60 साल से ऊपर वाली पेंशन आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए आपको प्रयास क्या करना चाहिए, बीपीएल में नाम जुड़वाना चाहिए। यदि आप बीपीएल के लायक होंगे, तो आप तहसील में जाकर आवेदन देंगे, तो आपका बीपीएल में नाम जुड़ेगा। पर ध्यान दीजिए, आप लोग बीपीएल में नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत में परेशान होते हैं,
बीपीएल में नाम ग्राम पंचायत नहीं जोड़ती है, बल्कि प्रस्ताव ग्राम पंचायत दे सकती है। आपका बीपीएल में नाम जुड़वाने के लिए तहसील में ही आवेदन होगा और माननीय पटवारी जी के प्रतिवेदन पे आपका नाम वहां पर जोड़ा जाता है। तो यदि आप बीपीएल के लायक होंगे, हमारा तहसील आपका निरीक्षण करेगा, यदि आप बीपीएल के लायक होंगे तो आपका निश्चित नाम जुड़ेगा। तो ये वृद्धा पेंशन की मैंने बात की। एक दूसरी पेंशन दिव्यांग पेंशन होता है, ध्यान दीजिए, दिव्यांग पेंशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारा आके ग्राम पंचायत में बताते हैं कि सर हमारा ये टूटा हुआ है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है और हमको दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, दिव्यांग पेंशन मिलने के लिए सबसे पहले आपका यही पात्रता है कि आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड हॉस्पिटल से जारी किया होना चाहिए, यानी आपका विकलांग प्रमाण पत्र बना होना चाहिए जो मेडिकल बोर्ड बनाता है। यदि मेडिकल बोर्ड ने आपको विकलांग प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया है, आप चाहे कितना भी विकलांग होंगे, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, पर आप कितना भी विकलांग होंगे, यदि आप मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेकर के नहीं आए हैं, UDID नहीं बनवाए हैं, तो आपका दिव्यांग वाला पेंशन भी नहीं जुड़ पाएगा, कोई नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वो प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन जोड़ा जाता है। तो कृपा करके जो लोग भी जिनके साथ भी इस तरह की प्राकृतिक दिक्कत है कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, वो लोग कृपा करके पहले मेडिकल बोर्ड से अपना प्रमाण पत्र बनवाएं, और प्रमाण पत्र बनने के बाद मैं आप सबको गारंटी देता हूँ, हमने ये किया है माननीय तहसीलदार सर, कि यदि कोई विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, कोई भी किसी तरह का है, मैंने उनका 2 दिन में पेंशन जारी करवाया है। यदि आपने पेपर दिया है तो हमने 2 दिन में पेंशन जारी करवाया है। ये सिर्फ अपनी बात नहीं करूं मैं, पूरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जितनी योजनाएं हैं ना, वो तुरंत लागू की जाती है, कोई शंका की बात ही नहीं है। हाँ, आपको पेपर लाना पड़ेगा, सारे पेपर हमारे पास नहीं होते। आपको विकलांग वाला चाहिए तो आपको मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन चाहिए, बीपीएल नहीं है तो आपको तहसील में जाना पड़ेगा। अब वो तहसील डिसाइड करेगा कि आप बीपीएल के लायक हैं कि नहीं। इसी तरह से भगवान ना करे कभी कभी ये हो जाता है कि हमारी माताओं बहनों के साथ ये दुर्घटना हो जाती है कि वो विधवा हो जाती हैं, कल्याणी हो जाती हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहली शर्त ये है कि आपको जैसे ही ये घटना हो, ध्यान दीजिए आप लोग एक चीज देरी कर देते हैं, आपके घर में बच्चों का जन्म होता है और भगवान न करे किसी की, आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, आप लोग प्रमाण पत्र लेना भूल जाते हैं। भैया एक चीज ध्यान रखिए, बच्चे का जहां पर जन्म होगा, जिस स्थान पर जन्म होगा, और किसी भी व्यक्ति की जहां पर मृत्यु होती है, उसी जगह से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म आज आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है, वो चाहे जहां का निवासी होगा, आपको यहां से जन्म प्रमाण पत्र आप आवेदन देंगे तुरंत प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से भगवान ने करे ऐसा कि किसी की मृत्यु हो जाती है, जिस स्थान पर मृत्यु होती है उसी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करे। मैं एक ऐसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ, मेरी ग्राम पंचायत चंदौही डोल है। दरअसल माननीय अखिलेश पांडे जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, चंदौही डोल से लगी हुई बहुत लंबी रेलवे लाइन है और वहां पर संजय टाइगर भी है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि वहां पर डेथ की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती हैं, तो ऐसे में हम लोग उनका पता लगा करके तुरंत उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं, हम उनके कोई देरी नहीं करते। तो ऐसी यदि घटनाएं कहीं हो जाती हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत में जाके आपको पूरे पेपर के साथ जाकर के आपको डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने ये बताया कि जब विधवा पेंशन जुड़वाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ता है, और जैसे ये पेपर आप प्रस्तुत कर देते हैं तो ये वाला काम भी हो जाता है। फिर एक चीज और ध्यान दीजिए, कोई भी पेंशन जुड़वाने जा रहे हैं, कोई भी हित लाभ देने जा रहे हैं, एक चीज आपको सबको निश्चित कर लेना चाहिए कि आपके हर एक रिकॉर्ड आधार से लिंक होते हैं, यानी आपका खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए, आपका समग्र ID भी आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आप पेंशन के लिए कोई भी लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, उसके पहले आपको अपनी समग्र ID में EKYC करवाना निश्चित होता है। ध्यान दें,
यदि आप कोई भी लाभ लेने जा रहे हैं तो अपनी समग्र आईडी में ई केवाईसी करना अति आवश्यक है।